हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या जय भोलेनाथ लिख दें। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि चार धाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। 6 तारीख को केदारनाथ जी के कपाट ओपन होने वाले हैं, तो जो भी लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक्चुअली मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है, तो मुझे लगा कि एक बार आपको वीडियो बना के आपके साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको एक बार आसानी रहे। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते, बट ऑफलाइन में क्या है कि लास्ट टाइम हैसल से बचने के लिए बेटर रहेगा कि आप ऑनलाइन ही कर दे। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको लिखना है badrinath-kedarnath.gov.in। सो इस पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जो इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, वो कुछ इस तरह का रहेगा। इसमें आपको यहाँ पर विजिट हेयर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे मेन पेज पे, जो कि दिखेगा कुछ इस तरह का, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप टूर ऑपरेटर है तो वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल है या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो वो चीज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा। कंफर्म पासवर्ड करने के बाद साइन अप करना पड़ेगा। उसके बाद एक आपके पास ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इस वेबसाइट पे, इस पेज पे लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, जो कि यहाँ पर आपने डाला था, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, और ये पासवर्ड जो यहाँ पर आपने डाला था वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है। साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद अब आपको क्या है कि अगर आपको सपोज हेलीपैड की सर्विसेज लेनी है, उसका रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो जो उसकी हेली सर्विसेज की वेबसाइट है ये वाली, यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको होटल बुकिंग करनी है, जो GMBN के होटल्स हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जो GMBN की वेबसाइट है उस पर आपको पहुंचा देगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से होटल की बुकिंग कर लें, बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप केदारनाथ जी पहुंचेंगे उस समय वहां पर होटल्स के प्राइस वगैरह बहुत ज्यादा हाई रहेंगे, या वहां पर हो सकता है आपको ना भी मिले। सो बेटर रहेगा यहां से पहले ही प्लान करके जाएं। उसके बाद नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको अपना टूर प्लान करने के लिए, और यहां पर आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे टूर प्लान। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना ऐड अ न्यू टूर। सो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का टूर प्लान करना है। चार धाम यात्रा करनी तो चार धाम सेलेक्ट कर सकते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करनी है या कुछ और करना है। सो क्योंकि हम यहाँ पे चार धाम का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको टूर नेम डालना है कि आप क्या लिखना चाहते हैं। चार धाम यात्रा लिख सकते हैं, मैं सिर्फ केदारनाथ जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ केदारनाथ टूर लिखूंगा। उसके बाद सेलेक्ट योर ड्यूरेशन, जो आपका पूरे टूर की ड्यूरेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जो सब मेरा टूर स्टार्ट हो रहा है 5th को, मैं यहाँ 5th लिखूंगा, और उसके बाद मेरा टूर एंड होगा 8th को, तो मैं यहाँ पे 8th सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई करने के बाद मेरा 5th मई से लेकर 8th मई के लिए टूर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ टूरिस्ट मैंने सपोज यहाँ पे 1 डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन डालूंगा। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले केदारनाथ सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट डेट, मैं केदारनाथ पहुँचूंगा सपोज 6 को। सो मैंने 6 सेलेक्ट कर दी। 6 करने के बाद अगर मुझे चार धाम की यात्रा करनी है, या 3 धाम या 2 धाम, जो भी करना है, सो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। सपोज मुझे 2 जगह जाना है, बद्रीनाथ जाना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, यमुनोत्री जाना है या गंगोत्री, तो वो यहाँ सेलेक्ट करके उस डेट को यहाँ पर डाल सकता हूँ। बट मुझे क्या है, अभी सिर्फ केदारनाथ जाना है, तो मैंने वो सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से ऐसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद यहाँ पर मेरा ये प्लान बन के आ जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना है वापस डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, और डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना है इस पर क्लिक करके। सो सबसे पहले इस पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका सेलेक्ट टूर आ गया, देखिए केदारनाथ यात्रा और केदारनाथ जी ट्रिप। सो मैं यहाँ पर केदारनाथ यात्रा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको क्लिक करना ऐड न्यू पिलग्रिम या टूरिस्ट। सो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। मेरी ये डेस्टिनेशन का नाम लिखा हुआ है, फुल नेम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद एज, जेंडर, मेल, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ईमेल आईडी आप इसमें डाल सकते हैं अपनी।
जिस जिस भी जगह पे रेड ये स्टार बना हुआ है वहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी मैंडेटरी हैं। बट जैसे कि ईमेल आईडी पे नहीं है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि अगर आप ये डिटेल डाल दें, कंट्री में इंडिया, उसके बाद एड्रेस डाल देता हूँ मैं, सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सारी डिटेल डालने के बाद फिर उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको ऐसे पर्सन की डिटेल डालनी है जो आपके साथ इस यात्रा पे ना जा रहा हो। सो यहाँ पे डिटेल डालता हूँ। उसके बाद यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट, इफ यू आर फ्रॉम अ बिलो प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, सो अगर आप डॉक्टर हैं तो इसको राइट क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद डालना है आपको मोड ऑफ ट्रैवल आफ्टर एंटरिंग इनटू उत्तराखंड, सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं तो वो डिटेल वगैरह सब कुछ यहाँ पे है, मैं बाइक से जा रहा हूँ तो वो डाल दिया। बट कई लोगों को ये कंफर्म नहीं है कि वो कैसे जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पर डालनी है आपको ये अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सो वो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप टेक अ पिक्चर पे क्लिक करके इंस्टेंट उसी समय अपनी पिक्चर ले सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड या जो भी आपके पास है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेव करके रखा हुआ है मैंने, तो मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ। सो आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद आर यू आर COVID-19 वैक्सीनेटेड, यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। सर्टिफिकेट नंबर अगर आपको नहीं पता तो आपको ये सर्टिफिकेट पे जाना है और ये नंबर यहाँ से कॉपी करना है, 8511। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। उसके बाद आ जाएगा ट्रैवलर एडिट सक्सेसफुली, सो उसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद फिर हम इस पे डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपको एक बार फिर से क्लिक करना है। फाइनली हमारे सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और इस पेज पे आने के बाद आपको करना है डाउनलोड PDF पे क्लिक। सो जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो बारकोड वाला सर्टिफिकेट है, वो आपको मिल जाएगा। सो इस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद अलाउ, सो ये मेरे सामने ओपन होके आ गया है मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद ऑल द डिटेल्स एंड बारकोड। इसी तरह जब आपका डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद इस तरह का आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें बारकोड भी होगा एंड आपकी फुल डिटेल होगी कि किस किस दिन आप केदारनाथ धाम पे दर्शन करने वाले हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पर पूरी मिल जाएगी। इसको आपको लेके वहाँ पर जाना है और एंट्री के टाइम पे इसी को दिखा के आपको एंट्री हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय बाबा केदारनाथ।